बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम दाखला और तरके मदरसा। तरके मदरसा का जो लफ्ज़ है वो इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा आप लोग सुन चुके हैं और कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि तरके मदरसा क्या होता है। तो आज जो है वो मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊँगी और हम इसको डिस्कस करेंगे कि स्कूलों में दाखले की शरह की कमी किस लेवल पे है, क्या उसकी परसेंटेज है, और अगर बच्चे दाखिल हो भी जाते हैं तो फिर वो स्कूल को छोड़ क्यों जाते हैं बग़ैर कोई डिग्री लिए, बग़ैर कोई सर्टिफिकेट लिए, बग़ैर कोई एक लेवल जो तालीम का होता है उसको पूरा किए बग़ैर। जब बच्चे स्कूल को छोड़ देते हैं और किसी और स्कूल में एडमिशन भी नहीं लेते और अपना सर्टिफिकेट भी नहीं लेते, तो ऐसी सूरत हाल को हम स्कूल तरके मदरसा का नाम देते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट कहा जाता है। और हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में तरके मदरसा की क्या शरह है, क्या सूरत हाल है, कितने बच्चे स्कूलों में दाखिल होते हैं, कितने जो हैं वो तरके मदरसा के ज़ुमरे में आते हैं, और कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट लिए बग़ैर स्कूलों को छोड़ कर चले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ जो है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब ये तो बात हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि किसी भी माशरे की तरक्की के लिए तालीम का जो एक रोल है वो बहुत ज़रूरी है। तालीम के बग़ैर तरक्की किसी सूरत मुमकिन नहीं। लेकिन जैसा कि हमने पीछे लिटरेसी वाले में टॉपिक में और जो तालीम निस्वा वाला टॉपिक था उसमें हमने एक बड़ी मेन वजह देखी और वो थी आबादी में तेज़ रफ़्तार इजाफ़ा। अब जो आबादी में तेज़ रफ़्तार इजाफ़ा है उसकी वजह से स्कूलों के अंदर बच्चों की जो तादाद है वो पहले से कई गुना बढ़ गई है। और आप देखें, बल्कि पिछले दिनों जो एक कॉलेज गर्ल्स कॉलेज पाकपतन में जो है उसके स्टूडेंट्स की तादाद मैं देख रही थी तो मुझे बड़ी हैरत भी हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था कि फ़र्स्ट ईयर में राउंड अबाउट 700 जो बच्चे हैं माशाल्लाह से वो पाए जाते हैं। जब हम लोग थे तो हमारे पास मतलब 330 मेरा ख्याल है हमारा आखिरी रोल नंबर था, तो उस वक्त हमें ऐसा लगता था, बल्कि सारे टीचर्स भी कहते थे कि बहुत तादाद है, बड़े बच्चों ने एडमिशन ले लिया, बड़े बच्चे आ गए, इससे पहले 200-250 हुआ करते थे। लेकिन अब आप देखें कि वही कॉलेज है, वही जगह है, वही आवाम है, लेकिन तादाद कितनी बढ़ गई है कि 700 को क्रॉस कर गई है सिर्फ फर्स्ट ईयर। ठीक है जी, इसी तरह से जो सेकंड ईयर है वो तकरीबन 500 से ऊपर है। तो ये सारे जो मामलात हैं ये क्यों हैं? आबादी में इजाफे की वजह से हैं। आबादी में इजाफा हो रहा है उसकी वजह से जो है वो बच्चों की तादाद स्कूलों में भी ज़्यादा हो गई है। ऑब्वियसली जब बच्चे ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा ही एडमिशन होगा। 2004 के आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में प्राइमरी सतह पर तालीम में शमूलियत की शरह 83% है, यानी तालीम हासिल करने के लिए पहली क्लास में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उसकी बात हो रही है, जिसका मतलब ये है कि मुल्क में 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों की कुल तादाद का 83% रस्मी या गैर रस्मी अंदाज में तालीम हासिल कर रहा है। हकूमत पाकिस्तान के एजुकेशनल सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम के एक्शन प्लान 2001-5 के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में हकीकी शराय दाखिला 66% है, यानी पेपर्स में जो फिगर हमें बताया जा रहा है वो 83 है, लेकिन असलन अगर देखा जाए तो ये जो एजुकेशनल सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम है इसके मुताबिक असल जो दाखला है वो 66% है, जिसमें से 82% लड़के और 50% लड़कियां जो हैं वो तालीमी इदारों में दाखला ले रही हैं। मतलब सिर्फ लड़के लड़के जो हैं उनका 82% बन रहा है और गर्ल्स जो हैं वो आधी आ रही हैं स्कूलों में और आधी नहीं आ रही। ये नीचे एक टेबल है, इसमें भी उन्होंने परसेंटेज बताई हुई है, अगर आपके पास भी बुक हो तो आप इसमें दोबारा से ज़रा गौर से देख लीजिएगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि स्कूलों में प्राइमरी तालीम हासिल करने के लिए 5 से 10 साल की उम्र के 34% बच्चे अभी तक स्कूलों में दाखिल नहीं हुए। यानी अगर 66% का फिगर हम लें ऑन दी होल मेल फीमेल का इकट्ठा जो एक फ़िगर है तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 34% बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो कि इदारों में नहीं जा रहे। स्कूलों से बाहर रह जाने वाले इन बच्चों की तादाद 55 लाख के करीब है, जबकि स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चे जो कि 66% हैं उनमें 82% लड़के और 50% लड़कियां हैं। इससे ये बात पता चलती है कि प्राइमरी स्कूल जाने के हवाले से
उनकी जो उम्र के बच्चे हैं जो जिन्होंने प्राइमरी स्कूल जाना होता है वो 18% लड़कों और 50% लड़कियों की निसफ तादाद स्कूल से बाहर, ठीक है जी, यानी 82% लड़के अगर स्कूल जा रहे हैं तो 18% फिर भी नहीं जा रहे, लड़कियां तो फिर हैं ही आधी, 50% जा रही हैं और 50% नहीं जा रही। ये सारी सूरत हाल मज़ीद परेशान कुन उस वक्त हो जाती है जब स्कूलों में दाखिला हासिल करने वाले 66% बच्चों में से भी तकरीबन 50% यानी आधे बच्चे जो हैं, मतलब 33%, वो क्या करते हैं, प्राइमरी सतह की जो तालीम है वो मुकम्मल करने से पहले ही स्कूल छोड़ जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2015-16 के मुताबिक प्राइमरी सतह पर तालीम हासिल करने वाले तलबा में से निसफ से ज़्यादा बच्चे पहले 2-3 सालों में ही मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर स्कूल छोड़ देते हैं और बमुश्किल 30% बच्चे प्राइमरी पास करते हैं। यूँ तो हर फर्द अपनी तालीम हासिल करने के लिए तालीमी इदारे से फारिग हो जाता है, यानी जब वो मुकम्मल कर लेता है तो ऑब्वियसली उसने जाना ही होता है, लेकिन बाज़ तलबा ऐसे, अब ये इसको डिफ़ाइन कर रहा है तरके मदरसा को, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन दे रहा है कि तरके मदरसा दरअसल है क्या, तो ये इसकी डेफिनेशन है। आप चाहें तो इसको, अगर वो पूछें कि तरके मदरसा से क्या मुराद है, तो यहाँ से कुछ वर्ड्स लेके आप उसमें शामिल कर सकते हैं। तालीमी लेकिन बाज़ तलबा ऐसे भी होते हैं जो अपनी तालीम मुकम्मल किए बगैर ही स्कूल छोड़ जाते हैं, ये ना तो अपने स्कूल से कोई सर्टिफिकेट लेते हैं ना ही किसी और स्कूल में एडमिशन लेते हैं और 5वीं तालीम से पहले ही तालीम को खैरबाद यानी खुदा हाफिज़ कह देते हैं, बाकायदा नसाब के मुताबिक मुकर्रर मुद्दत तक स्कूल में तालीम हासिल नहीं करते। ऐसे तलबा को तारके मदरसा और ऐसी सिचुएशन या सूरत हाल को तरके मदरसा कहा जाता है। लिहाजा ये देखें, ये आगे डेफिनेशन, ये तारके मदरसा की डेफिनेशन है। तारके मदरसा से मुराद क्या है जी, ऐसा तालिब इल्म जो अपनी ज़हनी पसमानदगी यानी वो डल है, कमज़ोर है, नालायक है, जो भी आप उसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर लें, या किसी समाजी नफ्सियाती इक्तसादी वजूहात, मतलब कोई माशरे में उसको कोई मसला है या नफ्सियाती तौर पर उसका अपना कोई इशू है, या इक्तसादी कौन सा होता है जी, इकनॉमिक, माली, कोई पैसों की वजह है, वो फ़ीस नहीं दे सकता, किताबें नहीं ले सकता वगैरह वगैरह, उसकी वजह से किसी भी दर्जा पर जो तालीम अधूरी छोड़ देता है और स्कूल से अपना रابطہ मुनक़ता कर लेता है, वो क्या है, वो तारके मदरसा है। वो बच्चा जो ये सब कुछ कर रहा है और स्कूल छोड़कर चला गया है वो क्या है, तारके मदरसा है। अच्छी तरह ज़हन में रखिएगा, तारके मदरसा की इस इस्तलाह यानी टर्मिनोलॉजी का इतलाक मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ अंदाज से किया जाता है, यानी हम तो अब क्या कह रहे हैं, प्राइमरी कह रहे हैं कि चलो ज़्यादा ना से कोई बच्चा प्राइमरी ही पास कर ले, लेकिन हर कंट्री का अपना एक तरीक़ाकार है, जितना जिस कंट्री में लिटरेसी रेट ज़्यादा है या उनकी तालीम का मयार ऊंचा है उतना ही जो है वो इसको तारके मदरसा की जो डेफिनेशन है उसको अपने अपने मुल्क के लिहाज से वो लेते हैं। अब अमेरिका की अगर बात की जाए, वो कहते हैं जी कि जो मुल्की कानून के मुताबिक 12वीं जमात तक तालीम मुकम्मल किए बग़ैर स्कूल छोड़ दे उसे स्कूल ड्रॉप आउट के ज़ुमरे में लाते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में लाजमी तालीम हासिल करने के इससे पहले तालीमी सिलसिला मुनक़ता करने वालों को तारके मदरसा, यानी हर मुल्क ने जितनी तालीम को मिनिमम लेवल पे कंपलसरी एजुकेशन करार दिया है, अगर वो वाला लेवल भी पूरा नहीं करता, चाहे वो 5वीं है 8वीं 10वीं 12वीं कितना भी है, जितनी उनकी कंपलसरी एजुकेशन, हम हमारे यहाँ प्राइमरी तालीम है कंपलसरी एजुकेशन, क्योंकि इससे नीचे पे हम बात को ला नहीं सकते, तो ऐसे बंदे के लिए उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउटर की जो डेफिनेशन है या टर्म है वो इस्तेमाल की है। पाकिस्तान में इस इस्तलाह का इस्तेमाल अमूमन प्राइमरी सतह की तालीम मुकम्मल करने से पहले जो बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं उनके लिए ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है जी। पाकिस्तान में तरके मदरसा की वजूहात क्या हैं तो ये हम जल्दी से देख लेते हैं जी। अच्छा, पाकिस्तान, वैसे तो हमने वो एक चार्ट जो है वो भी आप लोगों ने गौर से अगर देखा हो तो पाकिस्तान लिटरेसी के लिहाज से वैसे ही कई मुल्कों से पहले ही काफ़ी पीछे है। हमारी शरह खानदगी को इतनी काबिल फ़ख्र नहीं है। प्राइमरी सतह पर तरके मदरसा की शरह 50% है, यानी प्राइमरी तक पहुँचते पहुँचते आधे बच्चे स्कूलों से निकल जाते हैं। बच्चियों में ये शरह और भी ज़्यादा है। तो ये सोचने वाली बात है कि तालीम के शोबे में आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर बच्चे को ये एक लेवल भी पूरा नहीं करते और मजबूर हो जाते हैं स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये सब रीज़न्स जो हैं ये हमें हमारी तवज्जो अपनी जानब दिलाती हैं कि आखिर ऐसी क्या रीज़न्स हैं जिनकी बिना पर ये सारे मामलात हो रहे हैं। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है जी गुरबत,
ये वाकई ही अपने अंदर इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये कई मसाइल की माँ है, ये खुद एक मसला है लेकिन इससे फिर आगे ब्रांचेज निकलती हैं और मसाइल की। तो हमारे मुल्क की ज़्यादातर आबादी जो है वो ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखती है जो मुफलसी और तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रोज़गार नहीं है उनके पास, अगर है अभी तो बहुत मामूली नौइयत का है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि वो मतलब गुर्बत ने उनको बिल्कुल दबा लिया है और बिल्कुल वो पिस गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसी फैमिलीज़ जो हैं वो तालीम को एक खराफात समझती हैं, एक एक्स्ट्रा चीज़ समझती हैं। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा एक शेयर करना चाहूँगी कि हमारे घर एक काम वाली बंदी आती है तो उसका बेटा स्कूल में 7th क्लास में है, तो वो जो है वो कल परसों मुझे बता रही थी कि मैंने उसे कहा कि इतना अरसा हो गया, 6 माह की छुट्टियां हो गई हैं तो तुम कहीं किसी जगह पे जाकर बैठ ही जाते, कुछ 4 पैसे कमा के ले आते, मेरी हेल्प कर देते। तो देखें वो 7th क्लास में है वो बच्चा, अब वो बच्चा ही है ना, लेकिन फिर भी माँ क्या कह रही है कि चलो इतना अरसा तुम्हें मिल गया था, मतलब स्कूल नहीं गए तुम या कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं हुई तो तुम कोई 6 महीने 4 महीने जितने भी थे वो तुम जाके तो कुछ अर्निंग करके ले आते। तो ऐसी फैमिलीज़ क्या करती हैं, ऐसी फैमिलीज़ जो हैं वो पढ़ाई को एक फ़ालतू किस्म का बोझ समझती हैं। शुरू में सब वालदैन को बड़ा शौक़ होता है कि अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराएं, बाद में जैसे जैसे उनके अखराजात बढ़ते हैं, उनकी फ़ीसें, उनकी किताबें, उनके यूनिफॉर्म, तो क्या होता है कि वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है स्कूल का सिलसिला बंद हो जाता है। घरेलू अखराजात में पूरे करने के लिए उनको वर्कशॉप्स, होटल्स और दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। इसी तरह वालदैन बच्चों की तालीम के लिए की अहमियत को पसे पुश्त डालकर आमदनी को तरजीह देते हैं कि तालीम तो वो चीज़ है जिस पर हमें पैसा लगाना पड़ेगा और अगर तालीम हासिल नहीं करेगा किसी जगह पे जाकर बैठ जाएगा तो वो लेके आएगा, तो उनको वो चीज़ ज़्यादा प्रेफरेबल लगती है कि बजाय इसके कि हम इस पे पैसा लगाएं हमारी तो रोटी पूरी नहीं हो रही, इससे बेहतर ये है कि ये कहीं जाए और वहाँ से 4 पैसे लेके आए, खुद भी मतलब अपनी भी मदद करे और हमारी भी मदद करे।